परमेश्वर के लोगों ने उसकी आज्ञा उल्लंघना की। इस तरह परमेश्वर ने फिलिस्तीनियों को 40 सालों तक उन पर राज्य करने दिया। तब उसने उन्हें आजाद कराने के लिए शिमशोन नाम के एक व्यक्ति को चुना। 1 स्वर्गदूत ने शिमशोन की माता से वादा किया था कि वो पुत्र को जन्म देगी। शिमशोन को परमेश्वर के साथ 3 वादे करने होंगे। कभी भी मदिरा नहीं पीना, कभी भी मुर्दों को नहीं छूना, कभी भी अपने बालों को नहीं काटना। परमेश्वर ने शिमशोन को बहुत शक्तिशाली बनाया। उसने एक सिंह को मार दिया और मधुमक्खियों ने उसकी लाश में शहद बनाया। शिमशोन ने परमेश्वर के साथ उसके वादों में से एक को तोड़ते हुए मरे हुए सिंह को छू लिया, यहाँ तक कि उसने शहद भी खाया। शिमशोन को दलीला नामक एक स्त्री से प्रेम हो गया। फिलिस्तीनियों ने ये बात पता करने के लिए कि क्यों शिमशोन इतना ताकतवर था, उससे बहुत सा धन देने का वादा किया। उसने बार बार इसके बारे में उससे पूछा। अंत में शिमशोन ने दलीला को उसका रहस्य बता दिया। अगर मेरे बाल काट दिए जाएं, तो मेरी ताकत चली जाएगी। इसलिए जब वो सोया हुआ था, दलीला ने एक व्यक्ति को उसके बाल काटने के लिए बुलाया। शिमशोन की ताकत उसमें से चली गई। जब फिलिस्ती आए, उन्होंने आसानी से उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे अंधा कर दिया। तब उन्होंने उसे जेल में डाल दिया और भारी चक्की पीसने का काम दिया। धीरे धीरे शिमशोन के बाल पुनः बढ़ गए। फिलिस्ती उसे उनके झूठे देवता दागोन का उसे हराने में धन्यवाद करने के लिए उनके मंदिर में लाए। शिमशोन ने परमेश्वर से कहा कि एक अंतिम बार उसे ताकतवर बना दे। शिमशोन 2 खंभों के बीच खड़ा हुआ और उन्हें धक्का मारा। मंदिर गिर पड़ा। फिलिस्तीनियों के साथ साथ शिमशोन भी उसमें मर गया। शिमशोन ने अपना वादा पूरा नहीं किया, पर परमेश्वर ने